नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 TV एवं पॉजिटिव। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर छः से। एक तो जनता हमारे सामने, कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनकी समस्याएं बरकरार हैं और यहां से कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार हो सकते हैं पार्षद पद के रतनपाल चौहान। इनसे हम जान लेते हैं कि अगर ये पार्षद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो किन समस्याओं को दूर करने की बातें करेंगे अपने वार्ड के लोगों से। जी बताएं। नमस्कार जी, पहले तो आपके प्रेस माध्यम से मैं वार्ड नंबर 6 के लोगों का और आप प्रेस मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं। और समस्याओं का निवारण, देखो जनता के बीच में जो लेडीज़ों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाने का काम करूंगा। और वार्ड नंबर 6 की जैसे फीवर की समस्या है, लोग बहुत परेशान गंदे पानी से, इसकी एसी की सुविधा करूंगा और पानी दिलवाने का काम करूंगा क्षेत्र में। और जो कि राशन की प्रॉब्लम है, जो गरीब लोगों तक राशन नहीं पहुँचता, वो राशन दिलवाने का काम करूँगा। और आपके जो रोड नाली गलियां बनवाने का काम है, वो मेरा काम होगा अगर जनता ने मुझे मौका दिया वार्ड नंबर 6 से पार्षद बनने का। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से आप लोग क्या करेंगे, महिलाओं के विकास के लिए क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं सबसे पहले तो क्षेत्र के अंदर कैमरा लगवाने का काम करूंगा और जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उसके लिए मैं उनके आगे समस्याओं को निवारण करने के लिए खड़ा रहूंगा। अच्छा, एक बताएं, देखिए आपको जनता क्यों चुने, आप ही बताएं रतनपाल जी, आप को जनता क्यों चुने और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले मेरा मुद्दा तो जो पार्टी से चुनाव लड़ने का है, पहले तो सरकार अगर मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ूंगा। जनता के बीच में आज से नहीं, मैं मुझे कम से कम 20 साल हो चुके हैं। छोटी मोटी समस्या जो क्षेत्र की होती है, फीवर की नाली की, वो मैं काम करवाता रहता हूँ। जैसे पुलिस के लिए किसी गरीब भाई को तो कोई तंग करता है तो उसके लिए भी मैं थाने चौकी उनके सहायता के लिए तैयार खड़ा रहता हूँ। जी अच्छा, चलिए कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, आपसे बात मत करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका और कहाँ रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ, बलीगुज जमा मेरा नाम है जी। किसको वोट करेंगे आने वाले चुनाव में पार्षद के लिए? पार्षद के लिए मैं रतनलाल चौहान को वोट करूँगा जी। क्यों? वो अच्छा काम करने वाले हैं जी, सबकी समस्या सुनने वाले हैं वो। कब से जानते हैं आप रतनपाल चौहान? मैं 20 साल से जानता हूँ जी। अच्छा, 20 साल से? हाँ जी। आप? मैं भी जिनको ये सपोर्ट करूँगा। किनको, नाम बताओ? रतनपाल जी को। क्यों? क्यों, 10 साल से मैं भी जानता हूँ, बढ़िया आदमी है, कभी मेरे कमरे पे भी आते हैं, मजदूरी भी देते हैं मुझे। आप बताओ जी। क्या बताऊँ, बोलो किन्हें वोट करेंगे? हम तो नेत्रपाल को ही वोट देंगे। अच्छा, ये बताओ रतनपाल जी, आप ही बताओ स्थानीय पार्षद के विकास को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा जी मैंने करोड़ों के विकास कार्य करा दिए। देखियो, विकास तो साहब आपके सामने ही है, किस तरीके से देखो नाली के भरे हुए हैं, रोड खराब खुदे पड़े हैं और ये अग्रवाल स्कूल का मेन रोड है जिससे हजारों बच्चे हिमालय स्कूल के लिए गुजरते हैं और हाँ उनका खुद का स्कूल है, क्योंकि आज तक 5 साल उनके पार्षद बने हुए निकलने जा रहे हैं, आज तक ये स्कूल का रोड नहीं बना है सर जी। आप और इस तरीके से देखो, ये फीवर की समस्या, एक और ये देखो किस तरीके से गंदगी भरी रहती है नालों के अंदर, जो कि बच्चे बुजुर्ग बीमार होते रहते हैं यहाँ क्षेत्र के। और कितना कोरोना काल में लोग परेशान रहे हैं और उसके साथ साथ अब डेंगू वगैरह चल रहा है, ये सब गंद के कारण। हाँ बता देंगे, गंद के कारण ये जो समस्या बनी हुई है, इसको पार्षद जी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और ना नगर निगम ध्यान देता है, ना सरकार ध्यान देती है। तो जनता वार्ड नंबर 6 की तो श्रीमान जी सबसे ज्यादा परेशान है। अच्छा, तो आपके यहाँ काम हुए, कोई विकास कार्य हुए क्या आपके वार्ड 6 में? तो ये नाली पाली तो बनी है। अच्छा, रोड बनी है? नाली बनी है, लाइट पाइट लगी है। अच्छा, रोड बनाना है? रोड नहीं बने आपके यहाँ जी? हमारे यहाँ देख लो ये खंडर हो रहा है। अच्छा, घर में घुस जाता है पानी। अच्छा, पानी घर में जाता है, तो आपने पार्षद को बताया इस बारे में? हमारे कौन से बाप का मकान है, हम तो किराए पे रहते हैं, मकान मालिक को बताया, वो बोलते। चलिए अच्छा बच्चों, बताओ आप लोगों के यहाँ ठीक ठाक लाइट जलती है रात में खम्भों पे? कल तो पूरा दिन नहीं आई लाइट, हमसे पूछो। कभी आती है कभी नहीं आती है जी, लाइट कभी आती है कभी नहीं आती है। हाँ जी, चलिए कोई अपील करना चाहेंगे रतनपाल जी अपने वार्ड? हाँ, मैं तो सरकार से भी और वार्ड नंबर के पार्षद अग्रवाल जी से अपील करना चाहूँगा, जो मुहैया पब्लिक की जो मुहैया कराने की सुविधा है उनको मुहैया कराएं पार्षद जी। और मैं तो उनसे आग्रह करूँगा कि उस तरीके से जो हमारे विकास नहीं रुके पड़े हैं उनको पूरा करा दें। चलिए, आप सभी ने रतनपाल चौहान को विस्तार से सुना, उन्होंने बताया सारी चीज़ें कि किस किस तरीके से क्या क्या समस्या यहाँ पर हैं, और आप सभी इनके बात से सहमत हो तो कृपया प्रोग्राम जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।